गार्ड प्लीज टेक केयर ऑफ द फूड, बहुत सारा है। वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू व्लॉग, टू अ न्यू वीकेंड व्लॉग। दिस इज योर्स जोडो, लेट्स स्टार्ट। तो मैं अभी आया था इधर पे उड़ीपी उपहार में ब्रेकफास्ट लेने के लिए, और मैं अभी घर जा रहा हूँ। और अभी जो है ऑलरेडी जो है धूप, मतलब कड़ी धूप है एकदम लिटरली, तो बहुत जो है गर्मी लग रहा है। तो ये है हम लोग का ब्रेकफास्ट अभी रेडी। आई नो कि आप बहुत जन बोलेंगे कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया। देखिए, मेरा 10 डेज चैलेंज हो गया, 30 डेज व्लॉगिंग चैलेंज होगा कंटिन्यूस, ये सारे जो है मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है, और थोड़ा मुझे भी जो है रेस्ट चाहिए होता है। और कल एक्चुअली ये ब्लॉग जो आपने कल देखा वो परसों एक्चुअली आने वाला था, बट वो परसों नहीं आया वो ब्लॉग, इसीलिए बिकॉज वो ब्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाया, बिकॉज थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू था, उसके चलते जो है ब्लॉग मैं फाइनली जो है अपलोड नहीं कर पाया। बट आई कैन इंश्योर कि अभी से मैं सोच रहा हूँ एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब पहले भी था 12 बजे, तो कल भी ब्लॉग आया था वो भी 12 बजे आया था, तो वो 12 बजे का जो ब्लॉग टाइमिंग है मैं सोच रहा हूँ मैं उसको ही मेंटेन करूँ। अगर आपको लगता है कि दूसरा टाइमिंग चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसी टाइम में जो है व्लॉग देने का। पूरे ये यू नो टाइम में जहाँ पे मैं हर दिन कुछ ना कुछ व्लॉग देते रहता था, शॉर्ट मिनी व्लॉग हो गया, फुल फ्लेज्ड व्लॉग ऐसा हो गया, तो फर्स्ट टाइम आई थिंक परसों जो है जो व्लॉग नहीं गया। हालांकि मेरे पास व्लॉग रेडी था बट मैं पोस्ट नहीं कर पाया, और कल जो है मैंने कुछ परसों जो है मैंने कुछ शूट किया भी नहीं उसी लिए, क्योंकि मुझे यू नो उसके बाद अच्छा नहीं लगा। मैं शुरू किया था बट मैंने कुछ शूट ज़्यादा किया नहीं, मैं सोचा कि ठीक है एक दिन गैप हो ही गया है तो उसको ऐसे ही रख दो, एंड देन कंटिन्यू फ्रॉम आई मीन आफ्टर दैट। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब ऑफिस करते हो तो ये व्लॉग शूट करना तो फिर भी ठीक है, उसको एडिट करके टाइम में पोस्ट करना, उसको एक्सपोर्ट करना, उसका एक टाइम लगता है, उसके बाद उसको अपलोड करना, ये सारे में बहुत टाइम लग जाता है, जिसमें जो है आई थिंक मैं थोड़ा लैग कर गया परसों, इसीलिए जो है वो नहीं आ पाया टाइम में। बट मैं अभी से कोशिश करूँ कि उसको थोड़ा जो डिसिप्लिनरी वे में एक टाइम के साथ जो उसको ठीक करूँ, बट आई थिंक उसके लिए भी थोड़ा टाइम तो मुझे चाहिए होगा, बिकॉज यू नो जगल करना बिटवीन ऑफिस हाउस एंड देन ब्लॉगिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर मेरे साथ पे कोई हेल्पिंग हैंड रहता शायद अलग बात था, बट नाउ दिस इज कम्प्लीटली अ डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग, यहाँ पे मैं अपना ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो थोड़ा जो है यू नो प्लीज़ बेयर विद मी एंड आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू डिलीवर ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम नाउ। ये गाजर का हलवा जो है प्रियंका ने बनाया हुआ है, और कल जब ये प्रियंका जब फर्स्ट टाइम मुझे वो खिलाई, It was amazing. मीठा उतना पसंद नहीं है, ये खा के मैं जस्ट आई वाज ब्लोन। ऐसे मैं इडली खाऊंगा, प्रियंका को खाने का मन था उत्तपम, तो वो उत्तपम ऑनियन उत्तपम खाएगी और उसके साथ कॉफ़ी। हाय 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 वो हो कॉम्बिनेशन इज अमेजिंग, और हाँ गाजर का हलवा तो उसके साथ है ही। तो इसको जैसे मैंने प्लान किया था उस हिसाब से जो है अभी इसको मैंने मिट्टी डाल के ये पुदीना जो है इसमें लगा दिया हो, एंड आई होप ये इसमें सर्वाइव कर जाएगा। एंड ये एक्चुअली मुझे मेरे केयरटेकर अम्मा जो है उसने हेल्प किए थे, वो मुझे ला के दी ये मिट्टी, तो मुझे अलग से ख़रीदा नहीं पड़ा, घर के सामने एक्चुअली बहुत सारा मिट्टी पड़ा हुआ था, तो वो ही ला के जो है थोड़ा कंकड़ है बट आई थिंक इट्स गुड एनाफ, बिकॉज उधर बहुत पेड़ मैंने देखा हुआ है जो बहुत ईजिली होते हैं विदाउट एनी केयर, तो इधर तो मैं ऐसे भी केयर करूंगा, सो आई थिंक दिस विल बी ऑल गुड। तो ये सारे जितने कबूतर थे इसको रोकने के लिए अभी दोनों बिल्डिंग के ही जो आई थिंक ओनर मिला के ये वाला नेट पूरा लगा दिया हुआ है नीचे तक, जिसके लिए अभी जो है मेरे घर के उधर भी जितना भी कबूतर यू नो गंद फैलाता था और हर समय एक आवाज़ रहता था वो अभी नहीं रहेगा। ये देखिए सब अभी बाहर पे है सारे कबूतर, देखेंगे इधर सब जो भी है, इस तरफ कुछ नहीं है, ये पूरा अभी जो है पूरा कवर हो चुका है। तो ये है जो प्रियंका ने कल बनाई थी चना मसाला, जो मैंने एक्चुअली व्लॉग नहीं किया था इसलिए दिखा नहीं है, तो मैं सोचा एक बार दिखा दूँ। उधर प्रियंका ऑलरेडी खा रही है, उसको बहुत भूख लगी थी, और ये चना मसाला के साथ कल रोटी खाए थे, बट आज हम लोग खा रहे हैं राइस।
इसका एक छोटा मोटा रील जो है अगर आप चाहते हैं तो वो प्रियंका के चैनल में आ जाएगा, डॉक्टर प्रियंका यूट्यूब में जो चैनल है, तो अगर आपको चाहिए देखना कैसे हम लोग डिनर किए थे तो आप जाके उस चैनल में देख सकते हैं। तो अभी कुछ दोस्त मिल के जो है हम लोग बाहर निकल रहे हैं, वीकेंड है तो थोड़ा बहुत एक जगह जाएंगे कॉफ़ी वॉफ़ी पीने एंड शायद साउथ इंडियन डोसा कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा मिलता है, अरिजीत ने एक्चुअली रिकमेंड किया था तो वही हम लोग जाएंगे अभी कुछ चार पाँच दिन मिल के, तो अभी उससे निकल रहे, चलिए हम लोग के साथ। गार्ड प्लीज टेक केयर ऑफ द फूड, बहुत सारा है। ताज़ा किचन जहाँ पे हम लोग गए थे आज, उधर पे जो है इतना भीड़ था, मतलब जनरली ऐसे उड़ीपी नो फूड जो स्टॉल्स होते हैं या फिर ऐसे छोटे होटल में ऐसा भीड़ तो मैंने बहुत कम देखा हुआ है, एंड खाने का क्वालिटी भी इतना अच्छा था जिसको जो है ये उतना भीड़ जो है जस्टिफाई करता है। एंड हम लोग जब गए वी आर जस्ट ब्लोन सीइंग द काइंड ऑफ क्राउड विच वॉज आउट देयर, एंड फूड वॉज इक्वली गुड। एंड हम लोग जाके उधर पे जो अच्छे मतलब करीब आई थिंक 40 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, खाना फिर उधर से यू नो मिल भी गया, खाए एंड देन वी केम बैक। तो डोसा मेदू बड़ा हो गया, जलेबी, गुलाब जामुन स्पेशली ये चीज़ जो है उधर पे बहुत सही था, चाय भी मस्त था, मतलब वो चाय पी के एक्चुअली जो है कोलकाता का जो चाय जैसा होता है ना नुक्कड़ में भी मिलता है वैसा चाय का एक जो है फील आ गया था, मतलब इट वाज नॉट एज वी गेट ईरानी चाय नॉन सॉर्ट ऑफ वैसा नहीं था, ईरानी चाय था नहीं वैसे भी, बट वो फ्लेवर जो था पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत कोलकाता का जो चाय होता है उसका वो फील आई थी। ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस इन साजा किचन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कमेंट में बताइएगा कैसे लग रहा है ये कंटेंट, स्पेशली वीकेंड व्लॉग कैसे लग रहा है, और आप क्या आप कुछ और डिफरेंट तरीके के कुछ देखना चाहते हैं तो या तीन जनों के साथ जो है ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि इन लोगों को पता चले कि मेरा एक चैनल है ऐसा डेली व्लॉगिंग का, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग का। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, दिस इज योर स्टूडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल देन बाय बाय।